हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फोर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7B विच इज बेस्ड ऑन लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई दिस एज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज लाइक फ्रैक्शन एंड विच वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज वॉट लाइक फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर आर सेम, 5, 5। सो लाइक राइट हियर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बी, 6/8, 3/8, 4/8, सेम, देयर डिनोमिनेटर आर सेम, सो दिस वन इज ऑल्सो लाइक फ्रैक्शन। सी, 2/7, 2/6, नो, देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो राइट हियर अनलाइक फ्रैक्शन। डी, 1/9, 1/6, 1/2, अगेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सी, ऑल दीज आर सेम, सेम डिनोमिनेटर 9, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन। हियर नो, अनलाइक फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कलर हाफ, कलर 2/4, कलर 4/8, कलर 8/16। अभी यहाँ पे कलर करके आपको दिखाती हूँ। सी, आई हैव कलर दिस पार्ट। फर्स्ट इज हाफ, हाफ मीन्स देर आर टू पार्ट्स। सी, देर आर टू पार्ट्स एंड वन पार्ट शुड बी कलर, सो यहाँ पे मैंने एक पार्ट को कलर किया। कलर 2/4 मीन्स देर आर फोर पार्ट, 1, 2, 3, 4, एंड फ्रॉम देम वी हैव टू कलर टू पार्ट्स, सो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स को कलर किया। नेक्स्ट 4/8, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट्स को मैंने कलर किया है। यहाँ पे 16 पार्ट्स है और उसमें से 8 पार्ट को मैंने कलर किया है। इससे आपको क्या समझ में आता है? यस, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो, सब में उतना ही रीजन कलर हुआ है कि नहीं, इसका मतलब ही क्या है, ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो यहाँ पे एक सब में क्या आएगा, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल का साइन आएगा। अंडरस्टैंड? एंड हाउ यू कैन रीड दिस, 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 4/8 इज इक्विवेलेंट टू 8/16। ओके, नेक्स्ट, कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे हमें इन इमेजेस को कलर करना है, फिगर्स को कलर करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2, सो 2/4 बहुत ईजी है। देखो, टोटल पार्ट्स 4 है, उसमें से 2 पार्ट्स को कलर करना है। कोई भी 2 पार्ट्स को कलर मत करो, हाफ दिखना चाहिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1/2, ओके, नेक्स्ट बी, 3/4, 6/8, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कलर करोगे 3 पार्ट्स को। और यहाँ पे सेम पार्ट्स को कलर आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ ऐसे, है कि नहीं, इजी बहुत। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, 1/3, 2/6, अभी यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स है ना, तो यहाँ पे 1 पार्ट को कलर किया और यहाँ पे 2/6, इसी 2 पार्ट्स को मैं कलर करूँगी। नेक्स्ट, 1/4, 2/8, तो यहाँ पे 4 में से 1 पार्ट को कलर करना है। आप कलर करते समय ऐसे जो लाइन लाइन वाले कलर होते हैं, सिर्फ लाइन ड्रॉ कर भी, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, तो फास्ट कलरिंग होता है, या फिर ऐसे चेक्स वाला। ओके, नेक्स्ट, स्टडी द शेडेड रीजन एंड फिल इन द बॉक्सेस। अभी यहाँ पे आपको ये अच्छे से स्टडी करना है और यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा नंबर आएगा। ओके, दिस इज 2/4, देन इट विल बी, यस,
4 upon 8, correct. Because there are 4 parts in color. So write here 4. And 2 2's are 4. 4 2's are 8. Ye bhi aa sakta hai. Now here 1 upon 2. Then here, yes, 2 upon 4. Because 2 parts in color. Here 1 upon 4. Then here 2 upon 8. Next 4 upon 10. Then here 2 upon 10 aayega kya? Nahi, 1, 2, 3, 4, 5 parts hai. To yahan pe 5 aayega. Next 2 upon 3. And yahan pe 4 upon kitne parts hai abhi yahan pe? 6 parts. To yahan pe aayega 6. Next 2 upon 8. Aur yahan pe 1 upon, yes, 4. Because there are 4 parts. ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो नीचे नंबर लिखा होता है डिनोमिनेटर में वो होता है आपके टोटल पार्ट्स एंड जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो होता है शेडेड और कलर पार्ट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. कलर 1/3 ऑफ द ग्रुप पुट इन द साइंस लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, 1/3 पार्ट को कलर करना है फर्स्ट इमेज में. सेकेंड इमेज में आपको 2/6 पार्ट को कलर करना है और यहाँ पे 4/12. यहाँ पे 1/3 मतलब देखो ना, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं तो किसी एक ग्रुप को आप कलर करोगे. ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ कलर. नेक्स्ट कलर द 2/6. ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल 6 ग्रुप है तो इसमें से मैं इन दो को कलर करूंगी. नेक्स्ट 4/12 ऑफ द ग्रुप. अभी ये एक ही पूरा ग्रुप है और उसमें से आपको 4 बॉल को कलर करना है. बॉल या फिर आप सर्कल बोल सकते हो, कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों में आपने सेम ही तो बॉल को कलर किया है. यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है. दैट मीन्स इक्वल. ओके, सो 1/3 इक्विवेलेंट टू 2/6, 2/6 इक्विवेलेंट टू 4/12. इजी है ना बहुत. नेक्स्ट ऑब्जर्व द ग्रुपिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अभी ये जो ग्रुप्स बनाए हैं वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ये जो फिल इन द बॉक्स और ये जो बॉक्सेस ब्लैंक है उनको फिल करना है. अभी यहाँ पे 6/8 है, मतलब देखो 8 टोटल और बॉल्स में, इसको बॉल ही बोलती हूँ, तो टोटल 8 बॉल्स है और उसमें से 6 को कलर किया हुआ है और यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप है. आप बोलोगे तो बॉल तो 8 ही है. नहीं, हमें ग्रुपिंग देखना है. तो यहाँ पे एक ग्रुप, 2, 3 एंड 4, 4 ग्रुप्स. ओके, उसमें से कितने ग्रुप्स को कलर है, 3 को. तो यहाँ पे आएगा 3. नेक्स्ट 4/6, सेम 6 टोटल जो स्क्वायर है वो कितने हैं, 6 है और उसमें से 4 को कलर किया है. तो यहाँ पे 2 ग्रुप को कलर किया है और टोटल ग्रुप कितने हैं, 1, 2, 3, 3 ग्रुप. 6 नहीं लिखना है आपको, 4 नहीं लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 ग्रुप्स है. ठीक है, 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप को कलर किया है इसलिए वहाँ पे 2 आया ऊपर. अभी यहाँ पे देखो टोटल 9 है. ठीक है, 9 में से कितने को कलर है, 6 को. यहाँ पे आएगा 6. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज हाउ जेव हैज अरेंज हिज थिंग्स ऑन अ शेल्फ. अभी ये जेव का शेल्फ पे वो अपने थिंग्स को कैसे अरेंज करते हैं. देखो किसमें बुक रखा है, किसमें टॉयज है. ठीक है, सो व्हाट पार्ट ऑफ द शेल्फ हैज बुक्स, गिव 2 फ्रैक्शन फॉर ईट. अभी इसमें से कितने पार्ट्स में बुक्स रखे हैं. ठीक है, एंड वॉट पार्ट ऑफ द शेल्फ हैज टॉयज, और यहाँ पे कितने शेल्फ में क्या रखे हैं, टॉयज रखे हैं. तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स है तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा. और उसमें से कितने पार्ट्स में बुक्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ऊपर 4 आएगा. अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा, यस 2/3. और आप इसको 4 2 8 एंड 6 2 12, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सकता है और भी बहुत सारे आएंगे. व्हाट पार्ट ऑफ द शेल्फ हैज टॉयज, कितने पार्ट्स में है, ओनली 2, तो 2/6 आएगा.
और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा फिर, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। ओके समझ में आया, तो ऐसे होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी आप ये चैलेंज आप खुद करोगे, ठीक है।